वन कॉमा लॉग थ्री टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस नाइन लॉग फोर इंटू थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन टू द बेस थ्री आर इन एपी देन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फोर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो आप सबसे पहले तीनों टर्म्स का जो है बेस आप सेम करोगे, ठीक है। तो तीनों टर्म्स के लिए बेस सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस वन को ऐसे लिख सकते हैं लॉग थ्री टू द बेस थ्री, क्योंकि हम दो प्रॉपर्टी जानते हैं जो हम यहाँ पर यूज में लेंगे, लॉग ए टू द बेस ए ये वैल्यू वन होती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये भी हम जानते हैं कि लॉग ऑफ एन टू द पावर क्यू एम टू द पावर पी अगर आपको दे रखा है तो बी बाई क्यू लॉग ऑफ एम टू द बेस एन आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ यूज में लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में तो हमने प्रॉपर्टी यूज में ली है फर्स्ट वाली, लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन आपको दिया हुआ है, तो हम वन को क्या लिख सकते हैं लॉग थ्री टू द बेस थ्री, राइट। अब सेकेंड टर्म में हमको यहाँ पर जो बेस है वो थ्री करना है, थ्री क्यों करना है क्योंकि यहाँ भी बेस थ्री और यहाँ भी हमने इसका बेस थ्री कर दिया, ठीक है। तो थर्ड टर्म तो ऐसी कैसी रहेगी लॉग थ्री फोर इंटू थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन, राइट। और सेकेंड में आपका जो है बेस चेंज करना है अकॉर्डिंग टू थ्री, थ्री पे लेना है बेस को अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो इसकी पावर वन हो गई तो पी क्या हो गया वन हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ नाइन को थ्री स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हमने कर लिया इसको एन टू द पावर क्यू की फॉर्म में, तो थ्री टू द पावर टू, तो क्यू की वैल्यू यहाँ टू हो गई और पी की वैल्यू यहाँ पर वन हो गई। इससे आप इसको कंपेयर कर लो तो वन बाय टू तो आगे आ गया, ठीक है। लॉग एम, एम की जगह पर ये वाली टर्म है और एन की जगह पर आपका क्या है थ्री है, तो थ्री टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस टू, तो ये आपके पास सेकेंड टर्म आ जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर यूज में ले ली, इसको तो हटा देते हैं हम, ठीक। अब हमारे पास ये तीन टर्म्स दे रखी हैं और ये कह रहे हैं कि ये एपी में है, आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब तीन टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, सपोज ए बी और सी अगर एपी में है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है, वी नो दैट। तो यहाँ मिडिल टर्म है इसका ट्वाइस आप कर दोगे, ठीक है, लॉग ऑफ थ्री टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस थ्री इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम ऐड कर देते हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म ये हो गई, लास्ट टर्म आपकी ये हो गई, करेक्ट। अगर तीन टर्म ए बी सी ए दे रखी है तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी होता है अगर वो एपी में है, तो वही हमने करा है, मिडिल टर्म को टू से मल्टीप्लाई करा और फर्स्ट और थर्ड टर्म को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया लॉग ऑफ थ्री टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस टू टू द बेस थ्री, राइट, इज इक्वल टू लॉग ऑफ थ्री इंटू फोर इंटू थ्री टू द पावर एक्स माइनस वन। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है log of m n होता है, ठीक है ना। log m प्लस log n क्या होता है log of m इंटू n, तो उस फॉर्म में हमने कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ भी log बेस थ्री हो गया, यहाँ भी log बेस थ्री हो गया, अब मैं एंटी log लूंगा यानी कि ये log हट जाएगा और ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल हो जाएगी, देन हम उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखें आप यहां पर क्या आया आपके पास, 3 टू द पावर 1 माइनस x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू 3 टू द पावर x माइनस 1, राइट, इसके इक्वल हो गया ये, थ्री टू द पावर वन माइनस एक्स प्लस टू
इसको अंदर मल्टीप्लाई करा हमने तो ये हो गया 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, वही चीज हमने यहाँ पर कर दी। ठीक है, अब इस 3 को तो इधर ले आया तो 5 बन गया। ठीक है, और इसको मैं इस साइड ले जाता हूँ तो 4 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 और इसको इधर ले आया मैं तो माइनस 3 टू द पावर 1 माइनस x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 टू द पावर x को हम t पुट कर देते हैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी हो जाए ताकि आपकी कैलकुलेशन। तो 4 इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप इसको लिख लो 3 इंटू 3 टू द पावर x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर एड हो जाती है, तो इसको इस तरीके से लिख लिया मैंने 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस x। अब 3 टू द पावर x की जगह मैं यहाँ t पुट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 कितना हो गया 12t, ये तो 12 हो गया, इसकी जगह हमने t लिख दिया माइनस 3t हो गया, 3 बाय टी हो जाएगा क्योंकि ये 3 टू द पावर माइनस x है ना, तो 3 बाय टी इसको हम बोल देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका एलसीएम ले लें जरा, तो क्या बन रहा है, टी तो आ गया एलसीएम, ये हो गया 20 स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया आपका 5t 12t स्क्वायर माइनस 3, तो 12t स्क्वायर माइनस 5t इसको इधर लिया है माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो आप इसकी श्रीधराचार्य के रूल से आप जो है फॉर्मूला अप्लाई करके दो वैल्यू निकाल लें आप टी की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका माइनस बी, तो ये आ जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4ac, तो a की वैल्यू यहाँ 12 है और c की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 है। ठीक है, तो अब आप देखें फॉर्मूला हमने क्या अप्लाई करा है, फॉर्मूला आपका होता है श्रीधराचार्य का, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको और ए नॉट इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करा है, राइट। तो अब यहाँ से आपकी टी की वैल्यू जो निकल रही है वो आ रही है आपके पास 25 प्लस ये हो गया 12 इंटू 12 144। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 13/24 है ना, 5 प्लस माइनस 13/24, तो इसको हम अगर प्लस वाले को साथ में लेकर के लिखें तो 18/24 और ये हो जाएगा आपका माइनस 8/24, तो ये हो गया 3/4। ठीक है ना, और ये हो जाएगा -1/3। अब t की वैल्यू माइनस में नहीं लोगे आप, क्यों माइनस में नहीं लोगे, क्योंकि t क्या है 3 टू द पावर x है, अब 3 टू द 3 की पावर माइनस में हो x की वैल्यू या प्लस में हो, है ना, x की वैल्यू माइनस में हो या प्लस में हो तो ये टर्म तो पॉजिटिव ही बनेगी हमेशा। ठीक है, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं सकती, है ना, तो इसको हम लेंगे 3/4 के इक्वल, यानी कि 3 टू द पावर x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3/4 के इक्वल आएगी। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ लॉग लोगे, लॉग बेस 3 वाला लॉग हमने दोनों तरफ ले लिया। ठीक है, टेकिंग लॉग बेस 3 बोथ साइड्स, राइट, सो x तो आगे आ जाएगा और लॉग 3 टू द बेस 3 तो वैल्यू 1 बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x log 3 to the base 3 is equal to log 3 3 minus log 3 4 log 4 to the base 3 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो हो गई x x into 1 है, ठीक है ना, और वो वैल्यू होगी 1 minus log 4 to the base
3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रूव दैट सीक्वेंस इन ए बी वेयर ए एन इज इक्वल टू 7 - 3n/2। सो आपको दे रखा है ए एन 7 - 3n/2, तो ए एन प्लस वन आप निकाल लो, यानी कि n को n प्लस 1 से आप रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 - 3n - 3/2। ठीक है, तो a n प्लस 1 हमने सिंप्लीफाई करके निकाल लिया, 4 - 3n/2, राइट। अब आप a n प्लस 1 माइनस a n फाइंड आउट करो, अगर वो कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये गिवन सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, तो आप करके देख रहे हैं 4 - 3n/2। ठीक है, ये तो हो गया a n प्लस 1 माइनस a n, आपको करना है a n आपको दे रखा है 7 - 3n/2, एलसीएम आपने लिया 2 - 4 - 3n - 7 + 3n, 3n से 3n कैंसिल हो गया, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -3/2 आ रहा है, यानी कि ये आपकी क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म आ रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट आ रहा है उसका क्या मतलब है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी में है। शो दैट सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 इज एन एपी, फाइंड इट्स 16th टर्म एंड द जनरल टर्म। तो गिवन सीक्वेंस है 9, 12, 15 and 18 --, तो कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हैं, तो 12 - 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर 15 में से 12 आप माइनस करते हो तो भी आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, फिर 18 में से आप 15 को माइनस करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इससे ये तो पता लग गया हमको कि गिवन सीक्वेंस में जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, गिवन सीक्वेंस जो है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये तो प्रूव हो गया। अब ए की वैल्यू यहां पर क्या है, 9 है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 9 है, और हमसे पूछा है 16th टर्म निकालो, यानी कि ए 16 हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ए 16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस 16 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 16 क्या हो गया, ए की वैल्यू तो हो गई 9, 15 इंटू डी, डी है आपका 3, तो 9 + 45 ये हो गया आपका 54। तो ए 16 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 54। अब वो क्या पूछ रहा है, जनरल टर्म भी निकालो, तो जनरल टर्म an हो गई, an क्या होता है, a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू हमको पता है, तो a और d की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, a तो है 9 और d की वैल्यू है 3, तो an आपसे पूछा है तो वो हो जाएगा 9 + 3n - 3, तो ये हो जाएगा 3n + 6। सो nth टर्म जो है आपकी क्या हो जाएगी, जो जनरल टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3n + 6 हो जाएगी। ओके, फाइंड n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस log a, log ab, log ab स्क्वायर। वी हैव log ab माइनस log a, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेकेंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, तो ये क्या हो जाएगा, log m by log m by n, प्रॉपर्टी हमको पता है log m by n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, इसकी जगह हम इस तरीके से लिख सकते हैं log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log m by n लिख सकते हैं,
तो log ए बी माइनस log ए को क्या लिख सकते हैं, log ए बी बाय ए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमको क्या मिला, log b मिला, राइट। अब इस वाली में से इस वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट करके देखें हम, सो log ए बी स्क्वायर माइनस log of ए बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये भी क्या मिला हमको, log b मिला। यानी कि इन दोनों को सब्सट्रैक्शन से हमको log भी मिल रहा है और इन दोनों टर्म्स के सब्सट्रैक्शन से भी हमको log भी मिल रहा है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस जो है टर्म्स का वो क्या है, सेम है। इसलिए ये तो हमको पता लग गया कि गिवन सीक्वेंस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। जहां पर कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, log b, और फर्स्ट टर्म जो दे रखी है वो कैपिटल A अगर हम कंसिडर करें तो वो हमको दे रखी है log of A, ठीक है। अब हमको पूछा है nth टर्म बताओ, इसकी nth टर्म फाइंड आउट करो, तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए a n जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। सो a n हमको निकालना है, a की वैल्यू हमको दे रखी है log a प्लस n माइनस वन, तो आपका ऐसा कैसे आ जाएगा, और d की वैल्यू आ जाएगी log of b। सो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वो कैसे, ये तो हो जाएगा log of a और ये हो जाएगा log of b की टू द पावर n माइनस वन, बिकॉज वी नो दैट log of a टू द पावर n क्या होता है, m log a होता है। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है ना, तो इस n माइनस वन को हम b की पावर पे लेकर चले गए, ठीक है। फिर हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, log m n क्या होता है, log of m plus log of n, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बन रहा है log m plus log n, right? So यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log of a into b to the power n minus 1, ये आपका क्या आ गया, a n आ गया। How many terms are there in the sequence 369-111? ठीक है, अब आप ये देख करके सबसे पहले पहचानो कि ये कौन सी प्रोग्रेशन दे रखी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने कर पर ये पता लग रहा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कैसे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, ठीक है ना। 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 मिल रहा है, 9 माइनस 6 करेंगे तो भी 3 मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो आपका 3 आ गया। फर्स्ट टर्म आपकी a जो है वो क्या है, 3 दे रखी है, और लास्ट टर्म जो है वो क्या दे रखी है, 111, राइट। अब आपको क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू उसने आपसे पूछी है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, L is equal to A plus N minus 1 into D, तो लास्ट टर्म आपको दे रखी है 111, A आपको दे रखा है 3, N की वैल्यू आपको पूछी है, D की वैल्यू आपको दे रखी है 3, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास N की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 37, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, n इज इक्वल टू 37। लेट tr बी द rth टर्म ऑफ एन ap हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m n, m नॉट इक्वल टू n, tm इज इक्वल टू 1 बाय n एंड tn इज इक्वल टू 1 बाय m, राइट, देन a माइनस d की आपको वैल्यू बतानी है। तो tm आपको दे रखा है, mth टर्म जो है वो आपको 1 बाय n दे रखी है, तो इसको हम जनरल टर्म की फॉर्म में लिखें तो tm क्या हो जाएगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू
डी जहां पर ए फर्स्ट टर्म है और डी जो है कॉमन डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट। और टी एन आपको दे रखा है 1/10 जो कि क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 राइट। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 देन वी गेट, उससे क्या होगा ए तो कैंसिल हो जाएगा जब इन दोनों पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और डी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे ठीक है, और ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ए माइनस डी हम कर देंगे ठीक है। सो जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है, सो ए प्लस एम माइनस वन इन डी इज इक्वल टू 1/n आपको दे रखा है और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है 1/m दे रखा है ठीक है। ये दोनों इक्वेशन यहाँ लिखी हमने, अब सब्सट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो a से तो ये a कैंसिल हो गया ठीक है ना, a से तो ये a कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा m माइनस वन डी, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो m माइनस वन माइनस एन माइनस वन राइट, और इधर हो जाएगा 1/n-1/m ठीक है। सो d आ गया आपके पास d m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एम एन, अगर आपका एलसीएम हम ले लें तो यहां आपके पास आ जाएगा m माइनस एन न्यूमरेटर में राइट। वन से वन कैंसिल हो गया, डी इंटू एम माइनस एन, एम माइनस एन अपॉन एम एन, एम माइनस एन से एम माइनस एन कैंसिल हो गया तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया 1/mn राइट। अब ये डी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर देंगे और क्या निकाल लेंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे। सपोज इक्वेशन 1 में ही हम जो है डी की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/mn राइट। सो इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, इसी में हमने जो है डी की वैल्यू 1/mn पुट कर दी। सो a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 अपॉन mn इज इक्वल टू 1/n, therefore a is equal to m upon mn minus 1 upon mn is equal to 1 upon n, m से m कट गया ठीक है। so a is equal to 1/n, इस वाली टर्म को भी आप इधर भेज दें तो ये क्या आ जाएगी 1 upon mn, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 1 upon n है तो minus 1 upon n, 1 upon n से 1 upon n cancel हो गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn ओके, और d की वैल्यू भी क्या है 1/mn, और हमको क्या पूछा है a माइनस d हमसे पूछा है तो a माइनस d क्या हो जाएगा 1/mn-1/mn, यानी कि a माइनस d जो है आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।